Henry! Henry! Bogey part one! बहुत हुआ। मम्मी मैं टीवी देख रहा था। अब नहीं, बस बहुत हो गया टीवी। अपने चारों तरफ देखो। ये तो बस यूं ही थोड़ा सा। ओ अच्छा ऐसा, तो सैटरडे संडे टीवी बंद रहेगा। पर सैटरडे संडे तो दिन भर मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आने वाला है, सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, पर अब होगी घर की सफाई, सुबह से शाम तक पूरे दो दिन। क्यों ना मैं चुपचाप थोड़ा टीवी देख लूं जब तक मम्मी ऊपर सो रही है। कहीं जा रहे हो तुम हेनरी? अगर किचन साफ कर लिया हो, जो लगता नहीं तुमने किया है, तो जाकर अपना रूम साफ करो। एक मिनट रुको, जा कहाँ रहे हो? अपना कमरा साफ करने। और ये कितनी गंदी बात है, जब देखो तब बड़े लोग छोटों को ऑर्डर ही करते रहते हैं। यम्मी वेजिटेबल सूप। चलो हेनरी, अपनी सब्जियां खाओ। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है। आप बड़े लोग जो चाहे खा सकते हैं और हमें खाना पड़ता है ये सब। पर मुझे तो ये पसंद है। तुमसे किसी ने पूछा ले लो। एक जोर का थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सब्जी और डांट दोनों खाओ। हेलो और स्वागत है साइंस प्रोग्राम में। आज मैं आपको दिखाऊंगा साइंस के चमत्कार। ओ प्लीज प्लीज, क्या हम चैनल बदल सकते हैं? मैं चला सपनों की दुनिया में खोने के लिए। चलो हेनरी, तुम्हें भी अब सोना चाहिए। अरे क्या है ये, मैं इस लल्लू जैसे इतनी जल्दी सोने नहीं जा सकता। ऐसा कौन कहता है? मैं कहता हूँ, और कौन? पर उससे क्या फर्क पड़ता है ना, मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। मम्मी पापा को पता नहीं कि कंप्यूटर पे भी मैं अपना प्रोग्राम देख सकता हूँ। उसे ये समझ आ गया कि वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अपनी जगह ना बदल ले उन लोगों से जो। उठो, जल्दी उठो हेनरी। लेकिन हुआ क्या? मुझे मेरे ब्राउन शूज नहीं मिल रहे हैं, और मेरा फेवरेट टूथब्रश, और मेरा रिपोर्ट कार्ड भी। क्या? तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हें ही तो पता होगा कि वो कहाँ है, और मैंने किचन के फ्लोर पर बिस्किट्स भी गिरा दिए हैं। तो जाकर साफ क्यों नहीं करते? मैं क्यों करूँ, तुम बड़े हो, तुम करो। मैं बड़ा हूँ? अब मैं क्या करूं? जाकर मेरा नाश्ता लाओ, अभी इसी वक्त। ठीक है। धीरे खाओ, सब कुछ गंदा कर रहे हो आप। क्या मुझे आज ऑफिस जाना होगा? हाँ, आज भी ऑफिस जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पैसे कैसे कमाओगे और मेरे लिए टॉयज कैसे लाओगे? चलो लल्लू आ गया, शायद वो बता सके ये हो क्या रहा है। गुड मॉर्निंग पापा। सुबह सुबह आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं पापा? पीटर? हाँ हेनरी। तुम्हें नहीं लगता कि आज कुछ गड़बड़ है? नहीं। ओ हाँ, मामा भी तो उठी नहीं है और उन्हें ऑफिस के लिए निकलना है यही कुछ 3 मिनट में। क्या? मैं अभी उन्हें उठाता हूँ। इतना आसान नहीं है हेनरी। उठने का टाइम हो गया। मम्मी उठने का टाइम हो गया। लगता है इतनी आसानी से नहीं मानेगी ये। आओ। तो आखिर जूते मिल ही गए? हाँ, डस्टबिन में पड़े थे। पता था। जरा मेरी टाई बांध दोगे? मुझे भी तो स्कूल के लिए तैयार होना है।
ओह कम ऑन, टाइम थोड़ी लगेगा। और तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने नहीं किया ना तो मैं चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स हेनरी। हैं? मैंने नाश्ता नहीं बनाया। पता है, पर फिर भी थैंक्स। हो गया। ओह थैंक्स हेनरी। अपना सामान उठाइए पापा, नहीं तो फिर गिर जाओगे आप। नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। फिर तो मुझे ही करना होगा आपके लिए। ओए कहाँ चले जा रहे हो? स्कूल। और कहाँ? मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम? ओ इन दोनों का तैयार होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हो सकता, तुम्हें तो पता है। बाय। भाग कीड़े। थैंक्स, अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ। पक्का ना पापा? हाँ, वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता क्योंकि मेरा बॉस मुझे बहुत डांटता है और कैंटीन में मेरा नंबर आखिर में आता है और फिर काम भी इतना ज्यादा होता है ऑफिस में, दोपहर को सोने को भी नहीं मिलता। पता है कितने बुरे हैं ना सब, पर जाना तो पड़ेगा ही, शाम को मिलते हैं। मुझे भूख लगी है। मम्मी आप ऑफिस लेट नहीं जा सकती। मुझे क्या, मुझे तो भूख लगी है। ठीक है नाश्ता देता हूँ। अंडे, दूध, पराठे, ब्रेड। ये हरी चीज क्या है? ये तो हरा भरा मीठा जैम है, और क्या? ओह हाँ, थोड़ा चाहिए? नहीं, पर आपको तो हरा भरा मीठा जाम पसंद है ना, जब देखो तब आप खाती रहती हैं। खाती रहती थी, अब मैं सिर्फ खाती हूँ चिप्स। आप नाश्ते में सिर्फ चिप्स कैसे खा सकती हैं? क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि आप मम्मी हैं, मम्मियाँ नाश्ते में चिप्स नहीं खा सकती। देखते जाओ। हाँ तो यहाँ छुपाती है ये चिप्स। मैं चली। कहाँ जा रहे हो आप? ऑफिस। और कहाँ? आखिरकार जल्दी कीजिए, रुकिए, कोट नहीं चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए। पर मुझे तो हर वक्त बोलती रहती है पहनने को। तो उससे क्या, मैं नहीं पहनने वाली गंदा बदबूदार कोट। फिर ये ठीक है? नहीं, मुझे तो वो भी नहीं पहनने हैं। अब कहाँ जा रही हैं आप? बिना बैग लिए चली जाऊं क्या? एक मिनट, अब तो कॉमिक बुक ले जा रही है ऑफिस में। नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा मत करिए। ये भी मत करिए। बच गया मैं। ये आजकल के बड़े मैनर्स ही नहीं है। पहली बार स्कूल जाके मुझे शांति मिलेगी। मुझे मेरा डायनो वापस करो, ये मेरा है। ये मेरा है, ये मुझे मिला था, तुमने छीन लिया है। मैंने नहीं छीना। ए, बस करो। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। थोड़ी देर में मैं पागल हो जाऊंगा। और इस तरह जगह बदल लेने पर टाइम था वापस अपनी जगह लेने का, और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हेनरी, मैं जान सकती हूँ कि क्या चल रहा है? मैं सारी रात जगा रहा अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम कंप्यूटर पर देखते हुए। क्या आप मुझसे गुस्सा तो नहीं? गुस्सा? जी तो कर रहा, तुम्हें तो थप्पड़ लगा दूँ। उठो और जाओ अपने कमरे में अभी। पता है मुझे सब कुछ ऐसा ही अच्छा लगता है, बच्चे है असली बॉस।